नमस्कार फ्रेंड्स, यह है कॉर्ग N364 म्यूजिक वर्क स्टेशन। वैसे तो ये कीबोर्ड एक विंटेज कीबोर्ड है, क्योंकि 1996 में यह कीबोर्ड रिलीज हुआ था और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा। AI2 सिंथेसिस सिस्टम, 64 वॉइस पॉलीफोनी, मल्टी डिजिटल इफेक्टर, 16 ट्रैक सिक्वेंसर एक्सेट्रा। जब हम इस कीबोर्ड को डिटेल में रिव्यू करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो पुराने एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन है, जिन्होंने पुराने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया है, उन लोगों के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो आज के ज़माने के नए म्यूजिशियन है, जो लोग पुराने कीबोर्ड को समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज हम इस कीबोर्ड का रिव्यू करते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक वैल्यू बटन है और इसका हम यूज कर सकते हैं। जब भी हम साउंड को एडिट करेंगे, टोन को या फिर परफॉर्मेंस वगैरह हम क्रिएट करते होंगे, तब हमें ये वैल्यू बटन की जरूरत पड़ती है, यस और नो। ये लिखा है, इसे ही हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तब यस करेंगे, जब इसको कैंसिल करना है तो नो करेंगे। ये डिस्प्ले अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कोई लाइट नहीं है, बैकलाइट नहीं है, क्योंकि ये कीबोर्ड का जो डिस्प्ले है वो पेपर लाइट से चलता था पुराने, जब ये इंस्ट्रूमेंट रिलीज होता था तब। और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे इसका पेपर लाइट खराब हो जाता था या फिर उसकी लाइट नहीं चलती थी, तो ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि अगर पेपर लाइट नहीं होने के कारण या फिर बैकलाइट नहीं होने के कारण जो म्यूजिशियन है उनको कभी शोज में प्रॉब्लम आता है। लेकिन फिर भी कीबोर्ड बहुत अच्छा है। अब हम यहां आते हैं तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्विचेस आपको दिख रहे हैं। अब यहां पर ये इसका सरफेस आपको जो गंदा दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि इसकी जो सरफेस पैनल है वो एक टेक्सचर वाली पैनल है, उसके अंदर ये डस्ट लग जाती है। इसको बहुत सफाई करने के बाद थोड़ा बहुत हल्का साफ होता है। अब यहां पर 0 से लेकर 9 तक ये एक न्यूमेरिकल स्विचेस है। यहां पर होल्ड का बटन है और ये एंटर है। यहां पर लिखा हुआ है कर्सर, एडिट, RPRR वगैरह, और यहां पर है एरपेजियो। तो ये कीबोर्ड में ऑनबोर्ड एरपेजियो दिया हुआ है, तो जब भी म्यूजिशियन कभी उसको इमीडिएट एक्सेस करना चाहे तो यहां से एरपेजियो एक्सेस कर सकते हैं। अब जब डिस्प्ले के लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कॉम्बी, मींस कॉम्बिनेशन। रोलैंड वगैरह कीबोर्ड में हम उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। ये प्रोग्राम मींस सिंगल साउंड जो हम बनाते हैं और साउंड में से फिर कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स यहां पर हमें 8 साउंड मिला के कॉम्बिनेशन बनता है। रोलैंड XP60 वगैरह कीबोर्ड में हम लोग 16 साउंड लेकर के एक परफॉर्मेंस बनाते हैं। और ये प्रोग्राम जब आप एडिट करेंगे तो प्रोग्राम में नॉर्मली रोलैंड के कीबोर्ड या फिर कॉर्ग के और भी कीबोर्ड्स में 4 साउंड लेकर के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहां पर सिर्फ 2 साउंड में से बनता है। फिर ये सिक्वेंसर है, बैंक। ये कीबोर्ड में 4 बैंक है। जब हम कॉम्बिनेशन या प्रोग्राम को जब एडिट करना चाहेंगे तो इसके लिए एडिट है। ग्लोबल में हम जब सिस्टम को, पूरे कीबोर्ड के सिस्टम को एडिट करेंगे तब ग्लोबल यूज करेंगे। यह है डिस्क। डिस्क का मतलब जो भी फ्लॉपी ड्राइव, ये कीबोर्ड में फ्लॉपी ड्राइव आता है। और फिर जब हम कोई भी साउंड को एडिट करेंगे तो यहां से हम इसको कंपेयर करेंगे। अब जैसे यहां से हम लोग देख रहे हैं बैंक, तो यहां पर प्रोग्राम में ए लिखा हुआ है, मीन्स ए बैंक चल रहा है। BCD ये 4 बैंक है और हर एक बैंक में 100-100 साउंड, मीन्स 4 बैंक में आपको टोटल 400 प्रोग्राम साउंड मिलते हैं। और इसके बाद में ये जनरल मिडी GM साउंड है। और सेम एज अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन में भी आपको ए बैंक, बी, सी और डी, तो इसमें भी हर एक में आपको 100-100 साउंड मिलते हैं। इसका 400 साउंड आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन में, और 400 प्लस जनरल मिडी साउंड मिलेंगे आपको प्रोग्राम के लिए, पैच के लिए। फिर उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये कुछ ऑनबोर्ड स्विचेस मिलते हैं, और इसमें हमें 3 ऑप्शन यहां से दिखाई देते हैं। लाइक ये 2 ऑप्शन है, जैसे प्रोग्राम एरपेजियो, ये है ऑक्टेव टाइप, कट ऑफ VDFEG, देन ऑक्टेव, अटैक गेट, रिलीज वेलोसिटी, लेवल सिंक्रोनाइज। ये जब हम टोन एडिट करते हैं तब हम उसको इमीडिएट एक्सेस करने के लिए, और ये जो नीचे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है सिक्वेंसर के लिए।
ये आपका सिक्वेंसर में सॉन्ग वगैरह आपने जो कंपोज किया होगा उसको स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, रीसेट, रिकॉर्डिंग और राइट करने के लिए। ये है वॉल्यूम बटन, जिसको हम ऐसे स्लाइडर की तरह यूज करके जो भी चालू प्रोग्राम में या फिर जब भी आपका लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये है अपना पिच बेंडर या फिर हम जिसको जॉयस्टिक कहते हैं, और ये आपको ऊपर नीचे दोनों एक्स वाई और प्लस माइनस सभी डायरेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स कोर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसके जो पिच बेंडर है उस या फिर जॉयस्टिक को हम चारों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अभी एक कीबोर्ड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक फ्लॉपी ड्राइव दिखता है, और ये फ्लॉपी ड्राइव को बाद में हम आज के टाइम के यूएसबी इम्यूलेटर से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स है वो हमने समझने रहेंगे, वो आगे वाले वीडियो में हम इसको बनाएंगे। ये है बैक पैनल पर N364 का लोगो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फोन्स। तो जब भी हम चालू प्रोग्राम में या फिर जब भी आप परफॉर्मेंस करते होंगे तब अगर आपको फोन्स यूज करना है तभी आप इसका फोन्स को भी यूज करके आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आउट लिखा है, इसमें एल मोनो और 2R ये दोनों आउटपुट के लिए है जो हम ऑडियो आउट निकालते हैं और फिर जिसका हम यहाँ से यूज करते हैं। देन फिर 3 और 4 नंबर के ये हमारे एडिशनल आउटपुट है, यहाँ पर एस एनेबल पैडल और ये फिर डैम्पर पैडल। तो सस्टेन पैडल वगैरह हम यूज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते, और डैम्पर पैडल यहाँ से, और फिर ये मीडी है, मीडी इन आउट और थ्रू, तो मीडी ऑप्शन भी हमें यहाँ से मिलता है। फिर अगेन ये कॉर्क का लोगो है, और फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है जैसे उसका मॉडल नंबर है, उसका फिर सीरियल नंबर क्या है, इसमें क्या पावर सप्लाई वगैरह कितना यूज करना रहेगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। और फिर उसको वहां से आगे बढ़ते हैं तो ये पावर स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और ये 3 पिन वाला हमारा पावर सप्लाई केबल है। तो फ्रेंड्स ये मोटा मोटी हमारा कीबोर्ड N364, और अगर हम इसका एक जनरल व्यू देखना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड कुछ ऐसा होता है। और वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स कीबोर्ड इटसेल्फ बहुत डिसेंट कीबोर्ड है, और सेमी वेटेड कीज है इसके अंदर, और ये जो सेमी वेटेड की होने के कारण हमें प्लेइंग सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है इसके। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड का आउटपुट थ्रो वगैरह भी हम देखें तो सिर्फ 2 टोन होने के बावजूद भी इसका आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज का हमने जो ये N364 कीबोर्ड को लेकर के एक ट्यूटोरियल या फिर रिव्यू हमने जो बनाया है वो शायद आपको पसंद आएगा। उसको लेकर के अगर आपके कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, आने वाले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे।